Megha and welcome to my YouTube channel. मैंगो फिरनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़े पैन में 1 लीटर दूध ले लिया है। इसको मैं मैंगो फिरनी शॉर्ट्स बनके बिल्कुल रेडी है। सबसे पहले एक पैन में हम 1 लीटर दूध बॉईल करने के लिए रख देंगे। जब तक दूध बॉईल हो रहा है, मैं लूंगी यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर और उसमें डालेंगे कुछ प्लेन दूध। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो कस्टर्ड पाउडर है उसका एक घोल बन जाए और उसमें कोई लम्स नहीं रहे। तो दूध और कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिक्स करके एक पतला घोल बना ले। हमारा घोल रेडी है। दूध अब बॉईल हो चुका है, उसमें मैं डालूंगी फ्लेवर के लिए इलायची, जिसको मैंने कूट लिया है। आप डायरेक्टली इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं और अच्छे से इसको मीडियम फ्लेम में स्टर कर लेंगे। अब एक हाथ से हम डालेंगे कस्टर्ड का जो मिक्सचर हमने बनाया था और एक हाथ से हम कंटिन्यूअसली दूध को चलाते रहेंगे ताकि कोई लम्स नहीं फॉर्म हो जाए।
इस तरीके से इसको कंटिन्यूसली स्टर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें डालेंगे मिठास के लिए चीनी। मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर यूज़ किया है, आप इसकी जगह पे वाइट शुगर यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे से इसको फिर से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे कुछ चॉप किए हुए आलमंड्स। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स है आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है आलमंड्स एंड कैशू का। अब इसको हम 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कुक कर लेंगे, जब तक कि ये थिक नहीं हो जाता। ये देखिए हमारा कस्टर्ड बनके रेडी है। अब इसको निकाल लेंगे और एक कप पैन में हम लेंगे घी और ये मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरीके से काट लिया है। इसको अब हम घी में हल्का रोस्ट कर लेंगे। इस स्टेज पे आप ब्रेड को डीप फ्राई भी कर सकते हैं घी में, लेकिन मैं इसको हल्का कैलोरी वर्जन में बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रेड को रोस्ट किया है। आप चाहे तो इसको डीप फ्राई करिए, इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। दोनों तरफ से हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। हमारा ब्रेड अब क्रिस्पी हो चुका है, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और बस अब हमें असेंबल करना है इन दोनों चीज़ों को। तो मैंने यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे लिया है, उसमें मैंने एक लेयर ब्रेड का लगाया है और उसके ऊपर हम डालेंगे जो प्रिपेयर्ड कस्टर्ड था वो। और इसी तरीके से हम जितने लेयर्स बन रहे हैं उतने लेयर्स बना लेंगे। आप चाहे तो ब्रेड के स्लाइसेस को डायरेक्टली कस्टर्ड में मिक्स करके सर्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से लेयर करना पसंद है तो मैं इस तरीके से लेयर कर रही हूँ। अच्छे से सब साइड से कवर हो जाना चाहिए। अब फाइनली ऊपर से 3 और स्लाइस मैंने लगा रही हूँ और यहाँ पे मैंने फाइनली कस्टर्ड को डाल दिया है। तो हमारा झटपट सा ब्रेड का पुडिंग भी तैयार हो चुका है। जैसा कि आपने देखा इसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट्स ना ज्यादा मेहनत कुछ भी नहीं लगा था। अब गार्निश करने के लिए हमने जो चॉप्ड आलमंड्स और नट्स लिया था वो ऊपर से डाल देंगे। और हमारा क्रीमी क्रीमी कस्टर्ड ब्रेड पुडिंग बनके रेडी है। इसको ठंडा करने के लिए रख दीजिए फ्रिज में 2 घंटे और उसके बाद इसको सर्व करिए। 2 घंटे बाद हमारा पुडिंग बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ। वाओ, जस्ट लुक एट दैट, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है देखने में। इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ एंड सॉफ्ट निखर के आया है। सबसे पहले हम बेसिक कस्टर्ड बनाएंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर ले लिया है और ये रूम टेम्परेचर में दूध है जो कि हम कस्टर्ड पाउडर में डाल के उसका एक घोल बना लेंगे। ये स्टेप करना ज़रूरी है ताकि आपके कस्टर्ड में लम्ब्स नहीं रह जाए। हमारा कस्टर्ड पाउडर का घोल बन के रेडी हो चुका है, इसको अब साइड में रख देंगे। और अब एक पैन में लेंगे दूध। दूध अगर फुल फैट का हो तो ज़्यादा अच्छा होगा और दूध को हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। दूध में उबाल आते ही हम उसमें डालेंगे कुछ मिठास। तो यहाँ पे मैंने शुगर लाइट यूज़ किया है, ये चीनी से 50% लेस कैलोरीज का होता है और चीनी से आधा इस्तेमाल होता है, बट आप इसके जगह नॉर्मल चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने डेजर्ट्स में कैलोरीज लेस प्रेफर करती हूँ इसलिए मैं शुगर लाइट यूज़ करती हूँ। अच्छे से चलाने के बाद
इसमें हम डाल देंगे कस्टर्ड का जो घोल हमने बनाया था, और इस तरीके से कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे ताकि जो कस्टर्ड है उसमें लम्ब्स नहीं रह जाए। कंटिन्यूसली चलाते रहिए, 8 से 10 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे, जब तक कि कस्टर्ड हमारा थिक नहीं हो जाता। फ्लेम को हम बिल्कुल मीडियम में रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम करने से कस्टर्ड बॉटम से चिपक सकता है। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो कस्टर्ड है वो थिक हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल थिक सा कस्टर्ड रेडी हो चुका है। इसको अब हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे जैसे ये कस्टर्ड ठंडा होते रहेगा वैसे वैसे ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। इसको चलाना बहुत इम्पोर्टेंट है बीच बीच में, वरना ऊपर में एक लेयर सा जम जाता है। ये देखिए, तो मेक श्योर कि आप इस कस्टर्ड को बीच बीच में स्टर करते रहे ताकि ऊपर में ऐसे क्रीमी सा नहीं जम जाए। ठंडा करने के बाद इसमें हम डालेंगे मैंगो का पल्प। ये मैंने एक मैंगो का पल्प लिया है। मैंगो आपका मीठा होना चाहिए, अगर आपका मैंगो मीठा नहीं है तो आप उसको चीनी के साथ गैस में 5 मिनट के लिए पकाकर फिर इस कस्टर्ड का मिक्सचर में डालिए। मैंगो कस्टर्ड नॉर्मल कस्टर्ड से थोड़ा पतला होता है क्योंकि उसमें हम मैंगो का पल्प डालते हैं जिसमें पानी होता है बिना कुक किए हुए, तो ये थोड़ा सा पतला होगा। अब उसको अच्छे से चिल करने के बाद हम उसको ग्लास में सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बोल्स लिए हैं, उसमें मैंने कुछ कस्टर्ड डाला है। और इसमें और अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें आम के पीसेस भी डालूंगी। इससे जो है आपको मैंगो कस्टर्ड में मैंगो के जो चंक्स हैं उसका भी टेस्ट आएगा और इसका टेस्ट इन्हांस होके बहुत 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 बढ़िया लगेगा। फाइनली मैं डालूंगी इसमें कुछ नट्स एंड सीड्स टॉप करने के लिए। आप इसके ऊपर और भी फ्रूट्स डाल सकते हैं और हमारा ठंडा ठंडा मैंगो कस्टर्ड बनके रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब करिए और बगल दिए हुए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है डेट्स यानी कि खजूर। यहाँ पे मैंने लिया है कुछ किशमिश। फ्लेवर के लिए मैंने लिया है इलायची पाउडर और ठंडा दूध। तो सबसे पहले हम खजूर के बीज को निकाल देंगे। अगर आपके पास सीडलेस खजूर है तो बहुत ही अच्छा है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से खजूर के बीज को निकाल दीजिए। तो 2 ग्लास मिल्क शेक के लिए मैंने यहाँ पे 4 खजूर लिया है। और अब हम इसी दूध में से खजूर को सोक कर देंगे, क्योंकि खजूर हमारे अभी थोड़े से हार्ड वैरायटी वाले हैं इसलिए इनको सोक करने से ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। और थोड़ा सा दूध हम डाल देंगे किशमिश में ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से सोक हो जाए। इसको अब हम सोक करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद खजूर और किशमिश सोक हो चुके हैं, तो अब इनको हम एक छोटे से ब्लेंडर जार में डाल देंगे। तो एक साथ हम खजूर और किशमिश को डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। इलायची पाउडर को भी हम साथ में डाल के ग्राइंड कर लेंगे जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आ जाएगा।
तो ये मिल्क शेक बहुत ही ज़्यादा इजी है बनाना, इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से एक पेस्ट में बना लेंगे। और अब हम एक बड़ा मिक्सर ग्राइंडर जार लेंगे, क्योंकि ये जो जार है हमारा छोटा वाला जार था उसमें दूध सारा नहीं अटेगा, तो मैं यहाँ पे एक बड़े मिक्सर ग्राइंडर जार में बचा हुआ दूध डाल दूँगी। और इसके ऊपर हम डाल देंगे जो हमने पेस्ट तैयार किया है खजूर और किशमिश का। और अब इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से कंबाइन हो जाए। तो लीजिए, हमारा जो खजूर और किशमिश का मिल्क शेक है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। ये पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और इसमें हमने कोई चीनी या फिर गुड़ भी नहीं यूज़ किया है, तो ये नेचुरली बहुत स्वीट होती है, क्योंकि खजूर और किशमिश दोनों ही काफ़ी स्वीट होते हैं। तो इनको आप इस तरीके से किसी ग्लास में सर्व कर सकते हैं और इस मिल्क शेक को आप कभी भी किसी भी टाइम पे इंजॉय कर सकते हैं। आप इस मिल्क शेक को किसी फास्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए ऊपर से हल्का सा दालचीनी का पाउडर यानी कि सिनेमन पाउडर छीट दूंगी और इसको गार्निश कर दूंगी। और लीजिए, हमारा टेस्टी, हेल्दी और इजी सा डेट्स मिल्क शेक बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर से दबाइए। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब करिए और बगल दिए हुए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप कोई भी फ्यूचर के वीडियोस मिस नहीं।